देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। एनटीपीसी के सेल्दा सुपर पावर थर्मल प्लांट के मजदूरों और आदिवासियों ने हंगामा किया। मजदूरों को काम करने के लिए जाने नहीं दिया गया, जिससे आक्रोशित कर्मचारियों ने गेट पर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि बीती रात रेलवे ट्रैक बनाने के लिए सड़क पर एक गहरी खाई खोदी जा रही थी, जिसमें बाइक सहित दो व्यक्ति खाई में गिर गए, जिसमें 55 वर्षीय राय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका पुत्र दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इंदौर के MY अस्पताल में इलाज जारी है। आदिवासी और मजदूरों का कहना था कि रेलवे ट्रैक बनाने वाली कंपनी राइट्स द्वारा रेलवे ट्रैक के लिए खोदी गई खाई के किनारे सुरक्षा के कोई साधन नहीं होने के कारण यह दुर्घटना हुई है। ऐसे में लापरवाही बरतने वाली कंपनी के खिलाफ कार्यवाही कर मृतक के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। सर, रेलवे जो ट्रैक बन रहा है उसके ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ था कल, उसके अंदर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, कुछ आदिवासी लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे थे, क्या मामला था सर? इसमें एक मोटरसाइकिल वाले थे, उसके साथ एक बच्चा था, वो लोग आ रहे थे उधर से, वो एक ब्रिज बन रहा था राइट्स का, तो उसमें सेफ्टी बैरियर को तोड़ते हुए वो देखा नहीं लगता है और अंदर चला गया था, तो एक उनकी डेथ हो गई, लेकिन बच्चा तो बच गया है, ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो भी मीटिंग वीटिंग हुई थी मुआवजे के लिए, उन्होंने जो NTPC के साथ अधिकारियों के साथ उन लोग बैठ के फाइनल कर लिया है, और वो लोग काफ़ी संतुष्ट थे, वो भी मुआवजा मिला है। और अभी पुलिस विभाग की SDM भी आए थे, पूरा मीटिंग में सर्टिफाइड होकर चले गए। सर, अपना पूरा परिचय देते हैं। DK पांडे, ज्वाइंट जनरल मैनेजर। ठीक सर, आज एक एक्सीडेंट हुआ था जिसको लेकर NTPC के पावर प्लांट पर हंगामा भी हुआ, क्या एक्सीडेंट था सर, कौन मृतक रहा? ये घटना कल शाम की है, करीब 7:30 बजे की। एक किसान था ग्राम जामनिया का, राय सिंह पिता भावलिया, 55 साल करीब का था, तो वो बेड़िया तरफ से घर तरफ जा रहा था मोटरसाइकिल से, तो एक इनका NTPC का काम चल रहा है रेलवे ट्रैक का, तो उसमें नहर टाइप बना हुआ, उसमें गिर के एक्सीडेंट होके मृत्यु हो गई थी। उसी की बॉडी को लेकर यहाँ पर NTPC के गेट पर गांव के लोगों ने वो किया है, जाम किया था, फिर चर्चा करके उनको समझाइश देके सबको अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया है। सर, मृतक के साथ में कोई घायल भी हुआ था? हाँ, उन्हीं का लड़का है छोटा, तो वो इंदौर में इसका इलाज चल रहा है। सर, यहाँ पर जो इन लोगों ने हंगामा किया था, उनको मुआवजा वावजे की कुछ बात हुई है, तो सर आपके बीच में रहते हुए क्या मुआवजे की चर्चा हुई थी कुछ? मुआवजा अब मैं पहुँचा था, लेकिन उसमें जो सबल योजना है उसके तहत भी जो निर्धारित राशि है उसको देने के लिए चर्चा हुई, बाकी कंपनी की तरफ से भी 5-6 लाख रुपये देने का उन्होंने चर्चा की, तो उससे संतुष्ट रहे। हंगामा करने वालों ने कोई नुकसान पहुंचाया कहीं पर? नहीं, ऐसा कहीं नुकसान तो नहीं हुआ है। हंगामा जरूर थोड़ा सा आक्रोशित होके वो कर रहे थे, उनको समझा दिया गया तो हो गया, कोई खास हंगामा। वहाँ जामनिया गांव के एक आदिवासी परिवार का मुखिया था राय सिंह, और उसका लड़का दिलीप मोटरसाइकिल पर बैठ के बेड़िया से वो सल्दा की ओर जा रहे थे, तो अभी जो रेलवे के लिए जो ट्रैक बन रहा है, तो पुलिया के नीचे जो रेलवे की ट्रैक बन रही है थोड़ी गहरी है वहाँ पे, तो रात्रि का समय होने से वहाँ प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, तो उसमें वो गिर गया और गिरने से उसकी मौत हो गई और लड़के को भी चोट आई है। उसी सिलसिले में उनके परिवारजनों को मैं मिलने के लिए आया था, उनकी कुछ मांगे थी, वो प्रबंधन से बात करके उनकी मांगे भी मान ली गई है, 10 लाख रुपये उनको आर्थिक सहायता के रूप में दी जा रही है, और जो मृतक व्यक्ति है उसके लड़के को कंपनी ने बोला है कि हम उसको जैसी योग्यता है उसके हिसाब से नौकरी भी देंगे। ये अभी हाल जो मृतक के बारे में अभी हाल NTPC के अंदर अधिकारियों से चर्चा हुई, SDM और तहसीलदार से, क्या मामला हुआ, आपकी मांगे क्या मानी गई पूरी? सर, मांगे पूरी हो गई कि जैसे कि NTPC तरफ से या अपने इसके तरफ से मतलब 6 लाख रुपया और गवर्नमेंट तरफ से 4 लाख, और जैसे कि एक को नौकरी लगाने की है, एक को दो को, एक को, और जो अभी इलाज चल रहा है उसको जो भी 1 लाख से 1.5 लाख तक लगेगा तो लगा लेते हैं। उसके बाद में सरपंच की तरफ से 5,000 अभी हाल अंत्येष्टि के लिए। आप लोग संतुष्ट हैं? जी सर, पूरी तरीके से। हाँ सर। ठीक, क्या शुभ नाम आपका? राय सिंह। ठीक, आपका? जितेंद्र। ये बता,
जितेंद्र ये बताएं कि आज आपके पिता का जो आकस्मिक निधन हो गया एक्सीडेंट के तहत, इसके अंदर आपने यहाँ एनटीपीसी से डिमांड की थी, जो आपको यहाँ पर जो आपकी मांगे थी क्या क्या मांगे थी इसके अंदर? नौकरी। नौकरी और जो मांगे थी उन्होंने मान लिया आपसे? हाँ। कितने 10 लाख रुपए दिए, देने की बात हुई? हाँ। और आपके भाई का इलाज? 1.5 लाख। और आपकी यहाँ पर नौकरी की बातचीत हुई, आप नौकरी करेंगे यहाँ पर? ठीक। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? और दो भाई हैं और 7 बहन हैं। सभी का अब जिम्मेदारी आप ही पर है। हाँ। कौन से गांव रहते हैं आप? जामनिया। आपके पिता मृतक का नाम क्या था? राइसिंग टूट। कितनी उम्र थी उनकी? 50-55। खबर समय जगत के लिए सनावत से आनंद राठौर। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।